इब्तेहाज है और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इसमें पीएचडी करना चाहते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में एक मटेरियल साइंसेज का रिसर्च मैकेनिक बनाना चाहते हैं और क्या ईजाद करेंगे उसको? ईजाद नहीं है वहाँ पे, जो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है ना उसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। क्योंकि मोटिवेशन ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना अंडर ग्रेजुएट डिग्री पे, जब वो फाइनल ईयर में होते हैं तो उनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन ही दी हुई होती है, जो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मैंने फेस किया। तो फाइनल ईयर में जब बंदा स्टूडेंट कोई भी जाए उनसे, उन्हें पता हो कि अगर उन्होंने इंडस्ट्री में जाना है या उन्होंने रिसर्च करनी है आगे, अगर उन्हें रिसर्च करनी है तो वो मेरे रिसर्च ग्रुप में आएंगे, ये भी रफ सा प्लान है। और अगर वो वहाँ पे आएंगे तो उनको मतलब इस तरह की फाउंडेशन देंगे कि वो दुनिया के जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है ना वहाँ पे जाके रिसर्च करें और फिर वो वापस आएं और फुली फंडेड करें और इस तरह एक पूरा नेटवर्क बने जिसमें मतलब आगे जो है ना रिसर्च वगैरह, क्योंकि अभी जो रिसर्च तो हो रही है लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन और कह लें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इंडस्ट्रीज के साथ। इस तरह फिर जब बंदा बने आगे तो वो इंडस्ट्री से फंडिंग ले या जिस तरह भी कोई काम करे, जब उसकी वर्थ बने ऐसा। अल्लाह दीन का चिराग मिले तो क्या मांगूंगा? क्या मांगूंगा? वर्ल्ड पीस मे बी। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? चिराग बस मैंने तो रगड़ा है उसको, जी निकला बाहर। तो दूसरा काम क्या करवाओगे? दूसरा काम भी जे? तीन होती है ना पहचान अल्लाह दीन के पास। अच्छा तीन होती है, पहला वर्ल्ड पीस है, दूसरा यह है कि जो बंदा काम करे वो किस तरह उसके ऊपर अमल भी हो सकता है ये नहीं, और तीसरा ये है कि अपनी जिंदगी में सुकून मांगूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।